लोगों ने संकल्प कर लिया 400 पार हर हर मोदी घर घर मोदी, जैसे हम लोग भगवान भोलेनाथ का करते हैं वैसे मोदी जी और योगी जी का भी हम लोग प्रणाम करते हैं। योगी जी और मोदी जी की जो अद्भुत जोड़ी है वो सनातन को धर्म को कहाँ ले गई देखिए, और हम तो यही कहेंगे कि अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी जी और योगी जी के अलावा कोई और गुड़ खा नहीं सकता है, और हम मात्र शक्तियों ने ये ठान लिया है कि हमारे योगी जी और मोदी जी ही आएंगे। इस समय हम काशी में हैं और जो काशी का रंग है किस कदर भगवा हो गया है मैं आपको ये भी बताता हूँ। लेकिन ये धर्म की नगरी है, ये अध्यात्म की नगरी है, ये मंदिरों का शहर है और ये शहर बहुत कुछ कहता है। इस शहर के अलग अलग रंग है। कुछ महिलाएं देखिए किस तरीके से यहाँ पर भगवा कलर उनके सामने, और सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूँ, पूरी तरीके से आप रंग से गए हैं, किस रंग में हैं आप? हम भारतीय का ध्वज देखे हैं उसके सबसे ऊपर उतंग शिखर पर जो रंग है उस रंग में हम लोग रहते हैं। हम देश के विकास की बात करते हैं, हम देश के सम्मान की बात करते हैं, हम देश के सीमा की रक्षा करने वाले सिपाही के सम्मान की बात करते हैं, हम देश के अंदर जो हमारी रक्षा करता है उन सिपाही की बात करते हैं, हम मजदूरों की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं और इनके विकास। सब राम राज्य, सब राम राज्य है, 100% राम राज्य है। आप जरा साइड में इधर आइए, आप रुके रहिएगा, आप जाइएगा मत। ये कह रहे हैं राम राज्य, सब ठीक ठाक? जी जी, सब अच्छा चल रहा है, सब बहुत बेहतर चल रहा है। अगर हम खुश हैं तो सब खुश है, और इस समय काशी इतनी खुश है। मैं तो ये सोच के रखी हूँ कि सभी का कहना है कि वी वोट फॉर मोदी एंड वी वोट टू मोदी, दैट इज द डिफरेंस एंड दैट इज द पावर ऑफ काशी। अच्छा, तो ये मैं कह रहा हूँ कि जरा आप लोगों को पता है क्या, आप ही बताइए जरा, ये विपक्षी कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा या आ जाएंगे तो? उनको कहने दीजिए। अरे नहीं, उनकी सुनिए ना, आप तो सुनते हैं, सुन रहे हैं उनकी, सुन रहे हैं, लेकिन करेंगे हम अपनी। योगी जी और मोदी जी की जो अद्भुत जोड़ी है वो सनातन को धर्म को कहाँ ले गई देखिए, और हम तो यही कहेंगे कि अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। अच्छा। हर हर मोदी घर घर। इनसे बात कर लेते हैं। अरे वो ये कह रहे हैं कि ये पेट्रोल का दाम बता रहे हैं 400 सीट नहीं मिलने वाली, तो आप सहमत है? 400 सीट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी 400 सीट। हम लोगों ने संकल्प कर लिया 400 पार हर हर मोदी घर घर मोदी, जैसे हम लोग भगवान भोलेनाथ का करते हैं वैसे मोदी जी और योगी जी का भी हम लोग प्रणाम करते हैं। चलिए ठीक है, प्रणाम करिए। संविधान के बदलने की बात करते हैं, इस देश के संविधान में कम से कम 3/4 लोकसभा और राज्यसभा में, और उसके बाद प्रत्येक विधानसभा 50+1 जब इतना मत, ये मत से ऊपर जब होगा तभी इस देश के संविधान को कोई छू सकता है, बदल सकता है। छूना चाहते हैं क्या? नियति में है क्या? नियति किसी के नहीं, किसी किसी। चले आप जरा इधर आइए, आप इधर आइए, आप ही बताइए, हर हर महादेव तो आवाज आ रही है, किसका इस बार कल्याण होगा? मोदी के अलावा कोई आ ही नहीं सकता, हम तो कहते हैं मोदी सकता क्या, मतलब आप जबरदस्ती? आएगा ही नहीं, मोदी जैसे युग पुरुष अभी। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को, हम लोग हर लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से हमसे हम भगवान लहराएंगे। तो ठीक है, आप इधर आइए, आप इधर आइए, मतलब बेरोजगारी की बात कोई नहीं करेगा? बिल्कुल, बेरोजगारी देखिए आज कितने हमारे जो युवा हैं वो कितने कितने कामों में लगे हुए, कम से कम 50-50, 100-100, 1000-1000 लोगों को नौकरी देने के योग्य बने हैं, नौकरी मिल रही है जी। क्या वो नौकरी मिले जो पहले की स्थितियां थी वो ज्यादा बेहतर है, या अपने कंधों पर अपने? कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप ये नहीं जानते जनसंख्या वृद्धि हुई है, पहले गुड़ हमारे दादा के जमाने में 1 रुपए था, आज गुड़ 70 रुपए है, 10 साल बाद गुड़ 100 रुपए। इस बार का गुड़ कौन खाएगा? बढ़िया है, जरा बता दीजिए इस बार किसका गुड़ मीठा? ये हमारे मोदी जी और योगी जी के अलावा कोई और गुड़ खा नहीं सकता है, और हम मात्र शक्तियों ने ये ठान लिया है कि हमारे योगी जी और मोदी जी ही आएंगे। ये विपक्ष कह रहा है आप जैसे ही 400 का जो लक्ष्य है आपका, जैसे ही आप हासिल करेंगे संविधान बदल देंगे, मतलब ये क्या हुई, संविधान बदलना चाहते हैं क्या आप? ये विपक्ष ये पुराने समय से देश की जनता को, वह अब मैं शब्दों इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अपने को बुद्धिमान समझते हुए देश की जनता को वह मूर्ख बनाने का हमेशा काम करता है। संविधान बदलने के लिए जितनी संख्या चाहिए थी आदरणीय मोदी जी के बाद पास 2014 में भी थी,
2019 में भी थी। बदलना नहीं चाहते ना, यदि हम बदलना चाहते संविधान को बदलने की कोई भूमिका होती, कोई सोच होती तो भी बदल दिया जाता, ऐसी कोई सोच नहीं है। पूज्य बाबा साहब के द्वारा जो संविधान का निर्माण हुआ है, उस संविधान का एक एक अक्षर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, आदरणीय मोदी जी के लिए, सभी के लिए एक संकल्प है। ये बताइए कि महिलाएं जो है किस साथ क्यों वोट दें मोदी जी को, चाहे योगी जी को, वोट क्यों? क्योंकि वो मातृ शक्ति को बुला रहे हैं। आप अपनी शक्तियों को निखारिए, आप अपने शक्ति को देश के लिए लगाइए। तो राजनीति में भी अध्यात्म ले आ रही है, मतलब एक अध्यात्म तो है इस, क्योंकि यही सनातन धर्म है, अध्यात्म से ही हमारी पहचान है और ये हमें आगे लेके जाएगी। हमारे पास जो संस्कार है वही हमें आगे लेके जाएंगे। मोदी जी ने जितना महिलाओं के लिए सोचा है, इसके पहले किसने सोचा है? कभी किसी ने नहीं सोचा है। हर चीज में आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए ही आगे किया है उन्होंने। गैस सिलेंडर ले लीजिए या किसी भी चीज, शौचालय है और आवास है, सब में तो महिलाओं को। देखिए, महिलाओं की अपनी बातें हैं और खास करके काशी में जब हम खड़े हैं तो काशी की बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा इशू है। महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला, महिलाओं को तमाम सारी योजनाएं दी गई और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज काशी में सर चढ़ करके बोल रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।